हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूर्णांकित। आज दिन है 5 जून। आज सभी लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी करते हैं। मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ पिछले साल, जैसे हम लोग रोज़, आजकल समर्स का टाइम है तो हम लोग मैंगो खाते हैं, आड़ू खाते हैं, आम आड़ू, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। तो मैं तो वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा लो चलो मैं भी अपना एक आम का सीड को लगा के देखती हूँ कि होता है या नहीं होता है। मैंने जब लगाए थे लास्ट ईयर, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ऐसे ही इन्हीं गमलों में साथ में लगा दिए थे। ये मेरा मैंगो का प्लांट है, ये सब ऑलमोस्ट 1-1 ईयर ओल्ड मैंगो सैपलिंग्स है, ये है। तो कुछ और भी थे एक दो, लेकिन बंदरों ने यहाँ पे गिरा के गमले तोड़ के वो ख़राब कर दिए थे। मैंने सोचा कि आज के दिन सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो मैं भी अपने इन पेड़ों को जाके, मेरे पास घर में तो इतना स्पेस नहीं है, पर बाहर इन पेड़ों को जाके लगाऊं, ऐसी जगह लगाऊं जहाँ पे ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, सभी लोग ले पाएँ और स्पेशली बंदर खा पाएँ। क्योंकि यहाँ पे जो अपने घर पे लगा लेते हैं वो बंदर आते हैं, सबको भगाते रहते हैं। ये मेरा मोटिव यही रहेगा कि ये इसको आदमी, बंदर, जानवर जो भी हो, सबको इसके फल मिले। चलो तो आज इन पेड़ों को लगाते हैं। तो ये है हमारे गार्डनर भैया सतपाल भैया, ये मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अभी ये मेरे सारे सीड्स जो मैंने प्लांट बनाए हैं, इन सब को गमलों से निकाल रहे हैं, एक बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस, हम लोग आज अब बाहर आ गए पेड़ लगाने के लिए, जगह नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ लगाएंगे। मैं कह रही हूँ पैसे तो फल के लगा लेने चाहिए, मेरा आम का पेड़ या मेरा अनार का पेड़ और मैं ही खाऊंगी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक पार्क में लगाने के लिए आए हैं, सबको मिलना चाहिए। अब पूर्ण का तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फल के पेड़ ही लगाने। नहीं, वैसे तो बहुत सारा मेहनत का काम सतपाल भैया ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। जम गया क्या? और बनाना पड़ेगा। ये मेरा अनार का पेड़, ये मैंने नहीं उगाया अपने बीच से, ये खरीदा हुआ पेड़ है। अब देख सकते हो नेचर कहीं भी सर्वाइव कर सकती है। जो इतना इम्पोर्टेंट पेड़ है, जो लोगों को लगाने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। लेट्स होप कि इसको कोई तोड़े नहीं। मैं बस अभी अपने आज 4 पौधे थे मेरे पास, मैं उनको लगा कर आई हूँ बाहर। हमारे जो गार्डनर माली भैया हैं उनकी हेल्प के साथ लगाया मैंने। और आपने देखा होगा कि मैंने ये बैग यूज़ किया था, मैं इसमें अपने पौधे इकट्ठे करके ले गई थी गमलों से निकाल कर। ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिसाइकिल करूँ। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि आप उसको अपने एज अ ग्रो बैग कैसे यूज़ कर सकते हो टू ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स एट होम। तो आई होप कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप सभी लोगों ने भी पौधे लगाए होंगे। और मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ये एक दिन की ज़रूरत नहीं पौधे लगाने की, हमें हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए हम लोग पौधे लगाएं। लेकिन आप कोशिश करो कि आप बड़े पेड़ लगाओ, जैसे पीपल, अभी हम लोग गए बाहर तो लोगों ने लगाए आज पीपल, नीम, शहतूत। मेरा मोटिव है कि मैं फल के पौधे लगाऊं, ताकि हमारे यहाँ जो और जानवर हैं उनको भी मिल सके। हम लोग जानवर हमारे घर में नहीं घुसते, हम उनके घर में घुस चुके हैं, तो उन्हें भी हमें कोई फूड का सोर्स देना पड़ेगा। आप लोग सोचते हो कि बंदर आ गए, हमारा आम का पेड़ खराब कर रहे हैं, आम खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, उनको खाने दो, क्योंकि अल्टीमेटली हम उनके घर में घुस चुके हैं, वो हमारे घर में नहीं आए हैं। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह जगह फल के पौधे लगाऊं, ताकि वो इंसानों को तो मिले ही मिले, हमारे जानवरों को भी उतना ही खाने के लिए मिले। तो अगर आप लोगों को लगता है कि अब पेड़ खरीद के लाएंगे, पेड़ खरीदेंगे तो नर्सरी से लेकर आएंगे, खर्चा होगा, नहीं, किसने बोला इसमें खर्चा होगा। आप लोग सब फल तो खाते ही हैं घर में, आप जो भी फल खाते हैं
अभी यहाँ पे जैसे सीजनल है हमारा यहाँ पे सबसे फेवरेट मैंगो और आड़ू और जैसे कि अनार जो मैंने लगाया, मतलब जो मेरी नॉलेज में है, जामुन का पेड़, ऐसे पेड़ लगाइए जो इंडियन टेम्परेचर में कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं विद लीस्ट मेंटेनेंस। और इनकी कैनोपी इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज होती है कि आप इसमें सिर्फ फल ही नहीं लगा रहे हो, सिर्फ एक शेड नहीं तैयार कर रहे हो और चिड़ियों के लिए उनका एक घर भी बना रहे हो। तो बेसिकली आप इसमें सभी का ध्यान रख रहे हो। चलिए अब जाने का टाइम आ गया है, अब मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।